हेलो एवरीवन, मैं सुरेंद्र कंगस आपका स्वागत करता हूं शिक्षा कैंपस में। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं पॉलिटी के, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हमारा पॉलिटी के भाग दो आर्टिकल 1 से लेकर 4 और फिर 5 से लेकर 11 नागरिकता सिटीजनशिप हमारा कम्प्लीट हो चुका है। और आज हम क्या पढ़ेंगे, संविधान का या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग पार्ट 3 मौलिक अधिकार के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि आपको मौलिक अधिकार से कोई क्वेश्चन आए तो आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल भी आप उसमें कन्फ्यूज ना हो और ऐसा क्वेश्चन आपके बारे में मतलब आप उसमें फंसे ना। तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे मौलिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ हर एक वो आर्टिकल जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आज हम भाग 3 का अच्छे से एनालिसिस करेंगे और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक संविधान के सभी अनुच्छेदों का बारीकी से अध्ययन करेंगे। चलो चलते हैं आज का हमारा वक्त, ये मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूं तो सबसे पहले इसके अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, जिसे बोलते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में क्या आता है, जुडिशियल रिव्यू। अब मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। अभी आपने देखा होगा कि चारों तरफ पूरे देश में हिंसा चल रही है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 को लेकर, यानी कि जो भी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया है उसको लेकर पूरे भारत में क्या चल रही है, विवाद चल रहा है। आपने देखा होगा जो भी हमारे 7 सिस्टर राज्य हैं वहां पर सबसे ज्यादा इसका विरोध किया जा रहा है, और दिल्ली की भी जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर इसका बहुत ज्यादा विरोध किया जा रहा है। तो क्या कारण है, क्या बातें हैं, क्या है, मान के चलो अब जो ये है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ये पास हो चुका है, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब क्या होगा कि ये जो मुद्दा है, पब्लिक इतनी भड़क चुकी है, तो ये मुद्दा अब कहां पर जाएगा, अब ये मुद्दा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। कहां पर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब ये अब ये मुद्दा जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है एक बेंच होती है, इसे क्या बोलते हैं, बेंच। क्या होती है, बेंच। बेंच बोलते हैं, यानी कि जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज, 5 जजों की एक बैठक होती है। कितने जज होते हैं इसमें, 5। 5 जजों की एक बैठक होती है और ये 5 जज मिलकर निर्णय या डिसाइड करते हैं कि जो ये बिल अभी पास किया है, मतलब राज्यसभा लोकसभा में से पास होने के बाद इसके ऊपर राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है, अब ये बिल कहां पर चला गया है, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट अब क्या करेगा, इसकी अच्छे से बारीकी से इसका अध्ययन करेगा और ये देखेगा कि इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये बिल ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये बिल पारित तो वैसे पहले से हो चुका, अभी से कोई नहीं रोक सकता। अगर मान को चले ये लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि इस बिल के कारण आने वाले टाइम में भारत को नुकसान झेलना पड़ सकता है, तो इस बिल को रोक दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जो ये रिव्यू लिया जाता है जनता के द्वारा या अदर पार्टी के द्वारा, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 13 के अंदर आता है। इसे हम क्या बोलेंगे, जुडिशियल रिव्यू। कोई बिल अगर पास हो जाता है और उस बिल के ऊपर, ठीक है मान के चलो अभी फिलहाल टाइम कांग्रेस की, बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उनका एक तरफ बहुमत से उनको जीत मिली है, तो कुछ भी कर सकते हैं अपनी मनमानी। लेकिन उसकी, उनकी इस मनमानी को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है कि जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है किसी भी बिल के ऊपर, और उसके ऊपर फिर बाद में लास्ट फैसला कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट देता है, और वो किस आर्टिकल के तहत देता, आर्टिकल 13। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और अब आगे देखते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। आर्टिकल 14 से लेकर 18 को हम क्या बोलते हैं, समता या समानता का अधिकार। समता
समता या समानता का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ, हम इसे क्या बोलेंगे, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आएगी। ठीक है, अब आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14 में क्या सबको दिया गया है कि कानून के सामने, न्याय के सामने सब क्या है, एक समान है। क्या है, सब एक समान है। यानी कि क्या किया जाएगा, आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि सभी को एक बराबर कानून प्राप्त होगा और भारत में ऐसा कानून होगा कि हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, ये बात बोली गई है आर्टिकल 14 में। यानी कि किसी के साथ कोई कानून से रिलेटेड या न्याय से रिलेटेड भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बात बोली है आर्टिकल 14 के अंतर्गत। अब नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या बोला गया है, जाति, लिंग, धर्म। आर्टिकल 15 में यह बोला गया है कि जाति, लिंग, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आपने देखा होगा पीछे एक मूवी आई थी जिसका नाम क्या था, आर्टिकल 15 या आर्टिकल 15। यानी कि आर्टिकल 15 हमारा संविधान का क्या बोलता है, ये बोलता है कि जाति, लिंग या धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ में। अब इसके बाद क्या है, आर्टिकल 16। हमारे संविधान का आर्टिकल 16 क्या बतलाता है, वो ये बताता है कि सभी को अवसरों की समानता। आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि अवसरों की समानता, हर वर्ग को हर क्षेत्र में, हर नौकरी में समान अवसर मिलेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर अवसरों में समानता, सभी को बराबर दर्जा दिया जाएगा, ये आर्टिकल 16 बोलता है। आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि सभी को क्या मिलेंगे, समान अवसर मिलेंगे। कहां पर, वो भी नौकरी के क्षेत्र में या किसी कार्य के क्षेत्र में, क्या सभी वर्ग को क्या मिलेंगे, समान अवसर मिलेंगे। आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 क्या बोलता है, अस्पष्टता का अंत या छुआछूत। यानी कि अस्पष्टता का अंत या छुआछूत जैसी समस्याओं से निपटने के लिए संविधान ने कौन सा आर्टिकल बनाया, आर्टिकल 17। क्या होता है कि उच्च वर्ग नीच वर्ग को क्या समझता है, अछूत समझता है, और इस कारण इस केस को देख मद्देनजर रखते हुए क्या किया, हमारे संविधान के अंतर्गत एक आर्टिकल ऐड किया गया जिसे बोलते हैं आर्टिकल 17। यानी कि छुआछूत का अंत किया जाएगा आर्टिकल 17 में, किसी के साथ भी ऐसी कोई घटना नहीं होगी आर्टिकल 17 के तहत, अस्पर्शता का अंत, ये किस में बोला गया, आर्टिकल 17 में। अब नेक्स्ट क्या आता है, आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या बोलता है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। यानी कि हमारे संविधान का आर्टिकल 18 ये बोलता है कि उपाधियों का अंत, अगर किसी व्यक्ति को हमारे भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाता है, या पद्म भूषण दिया जाता है, या पद्म विभूषण दिया जाता है, या द्रोणाचार्य अवार्ड, जो भी अवार्ड दिए जाते हैं, वो किस आर्टिकल में दिए जाते हैं, आर्टिकल 18 में। और कौन देता है, हमारे भारत के राष्ट्रपति इस अवार्ड को देते हैं। अगर मान के चलो किसी व्यक्ति को पाकिस्तान का, यूएसए का, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, ब्रिटेन का, कहीं का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, तो वो सर्वोच्च सम्मान लेने से पहले उस व्यक्ति को किसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी, हमारे राष्ट्रपति की। यानी कि कोई भी सम्मान, सर्वोच्च सम्मान लेने से पहले हमें किसकी जरूरत पड़ती है, किसकी आज्ञा लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति की। ये था हमारे संविधान का 14 से 18
समता या समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल हमने 14 में क्या पढ़ा कि न्याय के समक्ष, न्याय के सामने सभी एक समान है और सभी को न्याय एक समान मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि जाति, लिंग या धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि अवसरों की समानता, सभी को समान अवसर मिलेंगे नौकरियों में, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 16 हमें बतलाता है। लेकिन आर्टिकल 17 क्या बोलता है, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत जैसी बीमारियों से निपटने के लिए, ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए, इस कास्टिजन सिस्टम को खत्म करने के लिए आर्टिकल 17 हमें विशेष प्रावधान देता है, और अगर इनमें से हमारे खिलाफ कुछ भी होता है तो हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है। और आर्टिकल 18 क्या बोलता है, उपाधियों का अंत। अगर हम उपाधियों को लौटाना चाहते हैं या उपाधि को लेना चाहते हैं या किसी देश का सर्वोच्च सम्मान पाना चाहते हैं तो हमें किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि राष्ट्रपति से। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ओके बाय।